सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को दबाइए और नोटिफिकेशन भी ऑन करिए, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम आपको इंटर की फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, जिसमें आपके दो चैप्टर खत्म हो गए हैं, तीसरा चैप्टर चल रहा है। हम आपको आज दूसरे चैप्टर के न्यूमेरिकल कराने वाले हैं, ठीक है। हमने दूसरे चैप्टर कुछ न्यूमेरिकल करा दिए हैं, कुछ न्यूमेरिकल बचे हैं वो भी हम करा ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी न्यूमेरिकल बचेंगे आप थोड़े करना प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। देखिए, हम पहला न्यूमेरिकल करा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। देखिए, पहला न्यूमेरिकल क्या है। किसी अचालक आवेशित प्लेट के समीप उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी दे रखी है हमें, 2 × 10⁴ न्यूटन कूलाम है, ठीक है। और प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व ज्ञात कीजिए। हमें क्या, प्लेट पर आवेश पृष्ठ का घनत्व ज्ञात करना है। किस कैसे करेंगे, देखिए, हमने इसका जब हमने आपको डेरिवेशन कराई थी तब हमने आपको बताया था पृष्ठ का आवेश घनत्व कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे नहीं, ठीक है। उसके लिए आपको हमने सूत्र भी लिखाया था। उसका सूत्र होता है हमारा ई बराबर सिग्मा बटे 2 ε₀ होता है, ठीक है। और देखिए, हमें E बराबर दे रखा है, E बराबर तो हमने लिख लिया, E बराबर कितना है, 2 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम है, ठीक है। हमने लिख लिया E बराबर, अब क्या, सिग्मा, सिग्मा हमें निकालना है, ठीक है। और देखिए, इसकी वैल्यू क्या होती है, 2 × 9 × 10⁴, इसकी वैल्यू एक और होती है। देखिए, अगर इसकी वैल्यू आप देखना चाहते हो, इसकी वैल्यू आपको बता रहे हैं हम, देखिए इसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, देखिए आप इसकी वैल्यू लिख लीजिए कि काम आएगी आपके, ठीक है। 8.85 × 10⁴ कितनी हो जाएगी, 12 − 12, ठीक है, 10⁻¹² माइनस की 12 हो जाएगी। और इसका कूलाम स्क्वायर, कूलाम, ठीक है, कूलाम स्क्वायर, ठीक है, प्रति मीटर या न्यूटन मीटर स्क्वायर लिख दोगे, ठीक है, न्यूटन 2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये इसका मात्रक होता है, ये वैल्यू आप लिख लेना, बहुत ही आपको इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें जब भी आप जो भी न्यूमेरिकल करोगे इसी के आएंगे, इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल कर सकते हो, ठीक है। देखिए, आप ये इसकी वैल्यू मत लगाइए, ठीक है, आप ये लगाइए इसकी दूसरी, ठीक है। देखिए क्या है, 8.85 × 10⁻¹², ठीक है। अब देखिए, आप इसे हल कर सकते हैं, ठीक है, आगे हम नहीं कराने वाले, क्योंकि आप इसे हल कर सकते हो, ठीक है, आप हल कर लेना, जो भी आंसर आए आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना, ठीक है। हम आगे करा रहे हैं आपको क्वेश्चन। देखिए, जब आपको इसे, क्योंकि ये इसे बन मान लो, तो ये क्या क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए, 2 × 10⁻¹² × 2 × 8.85 × 10⁻¹² सिग्मा, ठीक है। अब तो आप कर सकते हो इसे का गुणा, इसका गुणा कर सकते हो आप, ठीक है। अगर हम गुणा करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, आपका टाइम बहुत खराब हुआ है, इसलिए आप खुद हल करना, आप पार्ट पीट कर सकते हो। देखिए, हम आगे करा रहे हैं आपको क्वेश्चन। आपको इसकी वैल्यू याद करनी है, वैल्यू याद कर लेना, क्योंकि ये आपको वैल्यू नहीं पता होगी तो आप क्वेश्चन नहीं हल कर सकते हो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, ठीक है। अब देखिए आगे, आगे क्वेश्चन है आपका सातवां। देखिए, सातवां क्वेश्चन है, क्योंकि हमने आपको पास करा दिए थे। देखिए, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की गोली है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या गोली है, चालक के 2 μ कूलाम का आवेश दिया गया है,
दिया गया है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है, तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए आपको वैद्युत क्षेत्र की इसमें तीव्रता ज्ञात करना है और तीन और दे रहे हैं इसमें, देखिए क्या है तीन। फर्स्ट देखिए, गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी, हमें 20 केंद्र से दूरी भी ज्ञात करनी है 20 सेंटीमीटर से, ठीक है। और दूसरा है आपका गोले के पृष्ठ पर ये भी ज्ञात करना है। और तीसरा है आपका गोले के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, यह भी ज्ञात करना की दूरी पर। देखिए क्या करना है, देखिए इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए पहले पढ़ लिए खूब सही तरह से, क्वेश्चन आपको पढ़ना होगा, ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए आप अच्छी तरह से, ठीक है। आप क्वेश्चन सही से पढ़िए, देखिए क्वेश्चन क्या है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय चालक के क्या कह रहा है, 2 μ का आवेश दिया गया है, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब क्या तीन हमें आपके याद करने, गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी, गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी भी ज्ञात करनी है, और गोले के पृष्ठ भी ज्ञात करना है, और गोले के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी भी ज्ञात करनी है। हमें तीन चीज चार चीजें ज्ञात करनी है। देखिए उसके लिए हमें आपको सूत्र पता होना चाहिए, ठीक है, हमने डेरिवेशन बताई थी, आपको समझाई थी अच्छी तरह से, आप उसकी सहायता से इसे हल कर सकते हैं। देखिए इसमें हमें गोलीय चालक की त्रिज्या क्या है, देखिए चला कर रहे हैं गोलीय क्या कह रहा है, गोलीय चालक की त्रिज्या बड़ी आ रहा है, ठीक है, कितनी है देखिए 10 सेंटीमीटर, जब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे 0.1 हो जाएगा मीटर, ठीक है, कर लेना। अब देखिए क्या कह रहा है, गोलीय चालक पर आवेश Q कितना है, 2 μ, ठीक है, म्यू की वैल्यू आपको पता होगी, 2×10^2 कितनी, -6 कूलम होती है, ठीक है। अब देखिए हमने इतनी करा दी है, ठीक है, आपको म्यू की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, हमने चिन्ह भी बता दिए, इनके प्रतीक चिन्ह बता दिए, नाम लिख दिए, आप वैसे जाकर इनके नाम भी याद कर सकते हैं, और इनकी वैल्यू भी हमने लिखा दी, वैल्यू भी याद कर लेना, ठीक है, समझ लेना। अब देख लिए क्या कह रहा है, हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, हमें इसकी तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमें क्या सूत्र भी याद होना चाहिए, सूत्र हमें पता है क्या है सूत्र इसका, देखिए गोले से बाहर क्या हुआ, E बराबर 1/4πε₀Q/r³, ठीक है, r² हो जाएगा। अब आप से कर सकते हो ना, इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, इसकी वैल्यू हम देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, 1/4πε₀ कितना होता है, 9, ठीक है, ये आपकी वैल्यू हो गई इसकी, आप इसकी वैल्यू लगा लेना, देखिए ठीक है, देखिए यहाँ पे कर रहे हैं आगे यार, E = 9×10^9, देखिए की बराबर हमें कितना दे रखा है, क्यू बराबर दे रखा है 2 इंटू
10^-6 कूलाम। अब देखिए R बराबर हमें कितना दे रखा है, हमें R देखिए पहला ही ज्ञात करने केंद्र से दूरी 20 सेंटीमीटर दे रखा है। क्या 20 सेंटीमीटर, ठीक है। जो 20 सेंटीमीटर को अगर मीटर में चेंज करोगे तो आप कितने ही हो जाएगी, देखिए 0.2 मीटर हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, क्या स्क्वायर आप इसको अब हल कर सकते हो, ठीक है। जब इसको हमने मीटर में चेंज किया, 20 सेंटीमीटर को हमने मीटर में कर लिया 0.2 मीटर, ठीक है। आप इसे हल कर सकते हो, हमने एक तो बता दिया, अब देखिए दूसरा बता रहे हैं। देखिए जब इसे इसे हम थोड़ा और बता दे रहे हैं आप कंफ्यूजन, तो देखिए 9 × 10^9, ठीक है, 2 × 10^-6, ठीक है, 0.4, ठीक है। आप देखिए आप तो इसे हल कर सकते हो, ठीक है, 2 से 2 काटोगे तो भी ये कट जाएगा 1 बार, ठीक है। अब क्या बचा 0., ठीक है। अब देखिए 0, अगर आप इसे 0 को इधर हटाओगे इधर, तो हमारा 1 0 ऊपर चढ़ा जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब इसे हल कर सकते हो, आप काट पीट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे हम बता रहे हैं, अगर हम इसे पूरा काटते हैं तो बहुत टाइम लगेगा। देखिए आगे बता रहे हैं, इसे मिटा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए सेकंड, देखिए अब सेकंड गोले के पृष्ठ भाग बता रहा है, देखिए गोले के पृष्ठ भाग, गोले के पृष्ठ भाग, ठीक है। इसके लिए आपको सूत्र क्या लगाना पड़ेगा, देखिए सूत्र तो थोड़ी नेक चेंजिंग हो जाएगी, कुछ नहीं, यहां पे R बड़ी बन जाएगी, क्या R बड़ी R स्क्वायर, ठीक है। देखिए बड़ी R क्या पे दे रखी है, हमें ये दे रखी है, लगाओ देखिए E बराबर 9 × 10^9, Q कितना हमारा, देखिए Q हमने लगा रहा था, Q कितना लगा रहा था, देखिए Q ये रहा, ठीक है, 2 × 10^-6, और बड़ी R कितनी आती है हमारी 0.1 का स्क्वायर, ठीक है। आप इसे भी हल कर लेना, ठीक है, इतनी बता दी, आप इसे काट पीट तो कर सकते हो, ठीक है, हम बना दे रहे हैं। अब देखिए तीसरा क्या है, गोले केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी, देखिए गोले के केंद्र से दूरी, ठीक है, दूरी याद करनी है। इसके लिए आपको यही सूत्र लगाना होगा, ठीक है, इसके लिए आपको बड़ी आग, ठीक है, 0 आएगा, ठीक है, गोले के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर करना, ठीक है। आपका जो भी आंसर आए आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना, ठीक है। आपके 3 हमने बता दिए, आप कर लेना हल। अब देखिए आगे कुछ नहीं, एक और बता रहे हैं आपको हम, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, ठीक है। आप देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, देखिए कुछ याद रखने के योग्य है, आप ये तो हमने करा दिए थे, ठीक है, और जो कुछ न्यूमेरिकल है देखिए आपको न्यूमेरिकल किताब हो गई आपके, 7 न्यूमेरिकल आप पढ़ना, ठीक है। उसके बाद 8 में से 20 तक हम बताएंगे, क्योंकि अलग है क्वेश्चन, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और जाना जाना अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सारे न्यूमेरिकल खत्म करा देंगे और फिर दूसरा आपका तीसरा चैप्टर चल रहा है उसे भी खत्म करा के उसके भी नंबर करवाएंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतना ही, जय हिंद जय भारत।